तो गाइस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें GTA 5 खेलना काफी ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है कि वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि काश यार हम भी GTA 5 खेल सकते, हम भी अपने खुद की स्टोरी बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उनके पास एक PC या फिर एक लैपटॉप जैसा बढ़िया डिवाइस नहीं है जिसमें कि वो GTA 5 खेल सकते। हाँ, बट उनके पास एक फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन काफ़ी महंगा है, उसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, रैम काफ़ी ज़्यादा है और उसका प्रोसेसर भी काफ़ी हाई है। अब गाइस वो लोग क्या सोचते हैं कि देखो हमारे पास इतना महंगा फ़ोन है, इतना बढ़िया फ़ोन है, तो इसमें तो GTA 5 भाई पक्का चल जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना फ़ोन उठाते हैं, जल्दी से यूट्यूब पर जाते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं हाउ टू इंस्टॉल GTA 5 इन एंड्रॉइड। अब आप जैसे ये सर्च करते हो आपको बहुत सारी कम से कम 100 से 150 वीडियो देखने को मिल जाएगी अगर आप नीचे स्क्रॉल करते रहोगे। अब आप क्या करते हो, एक वीडियो खोलते हो, उसको देखते हो और जो बंदा उसमें कुछ कहता है आप उस ट्रिक को अप्लाई करते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। अब ऐसे करते करते आप 3-4 वीडियो और देख लेते हो और गाइस ऐसे करते करते कम से कम आप 50 से 60 वीडियो एक दिन में देख लेते हो। अब सच से बताना, इतने सारे वीडियो देखने के बाद क्या आपने अपने फोन में GTA 5 खेली? नहीं। गाइस आप में से 100% सबका यही आंसर होगा, भाई नहीं, हम अपने फोन में GTA 5 नहीं चला सके, भाई चलेगी भी नहीं। फिर आप सोचोगे कि भाई तूने तो थंबनेल में ये दिखाया कि GTA 5 को अपने फोन में कैसे डाउनलोड करें। रुको भाई, थोड़ा सबर करो, वीडियो का एंड तक देखो, सब कुछ मैं बताता हूँ आपको। तो सब कुछ छोड़ के आते सीधे मेन पॉइंट पे कि इस गेम का साइज कितना है। अब आप में से कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को शायद ना भी पता हो कि इस गेम का साइज कम से कम 66 GB के अराउंड है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना मुझे पता है कम से कम भाई ये 66 GB का गेम तो जरूर है। अब देखो आजकल तो भाई हमारे जैसे फोनों में भाई PUBG जैसी गेम जो कि 5-6 GB के अराउंड डाटा मिला के सारा कम से कम 5-6 GB की बन जाती है भाई, वो भी अटक अटक के चलती है। तो आप यहां से सोच सकते हो कि GTA 5 भाई कैसे चलेगी। अब आपके पास जितना बढ़िया फोन है उसकी फोन की मान लो 128 GB तक अगर स्पेस भी है उसकी, तो भाई सोच सकते हो अगर 66 GB का गेम है, वो खेलते रहोगे उसका डाटा उसमें ऐड होता रहेगा तो कितने GB की बन जाएगी, आप खुद ही अंदाजा लगा लो यहाँ से। तो भाई आप ही सोचो कि लोग पागल है कि इतने महंगे महंगे PC बनवाते हैं GTA 5, RDR2, Cyberpunk जैसी बड़ी बड़ी गेमें खेलने के लिए। अगर ये सारी की सारी गेमें अगर एंड्रॉइड में चलने लग जाए तो भाई मजा नहीं आ जाएगा। भाई क्यों लोग इतने महंगे महंगे PC बनवाएंगे, क्यों लैपटॉप खरीदेंगे ऐसी गेम्स खेलने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे निराश होने की कोई बात भी नहीं है, यहाँ पे देखो अभी भी कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि अभी भी वर्क कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी PC गेम्स को अपने एंड्रॉइड फोन में खेल सको और अभी भी उनके ऊपर वर्क चल रहा है। और कुछ गेम्स ऐसे भी है जैसे कि Apex Legends, Devil May Cry और ऐसी कुछ बड़ी बड़ी गेम्स और भी है जो कि आपको फ्यूचर में एंड्रॉइड में खेलने को मिल सकती है। अब फिलहाल यहाँ बात करें मेन GTA 5 की, तो इसकी अभी भी कोई न्यूज नहीं है कि इसका एंड्रॉइड वर्जन भी आने वाला है। अब फिलहाल देखो यहाँ पे इसकी न्यूज तो है नहीं, लेकिन अभी आपको प्ले स्टोर पे कुछ ऐसी गेम्स मिल जाएगी लगभग जो कि आपको GTA 5 का एक्सपीरियंस दे देगी। अब यहाँ पे बात करें फिलहाल देखो बहुत सारी गेम्स है, कम से कम 50-60 गेम आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो मैं आपको दो गेम बताऊंगा जो कि मैंने खुद खेली है और मेरे को काफी सही लगती है वो। तो बात करें यहाँ पे पहली गेम की जिसका नाम है गैंग टाउन स्टोरी। अब ये भी GTA 5 की तरह एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप लोगों की कार को चोरी कर सकते हो, अलग आपको मिशन मिल जाते हैं, बहुत सारी गन्स मिल जाती है और अपनी कार को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो GTA 5 की तरह। इसमें भी आपके पीछे पुलिस भी पड़ती है, तो गाइस ये भी गेम काफी बढ़िया है। तो चलो गाइस यहाँ पे बात करते हैं अपने दूसरे गेम की जिसका यहाँ पे नाम निकल गया था गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस ओपन वर्ल्ड। अब नाम से पता चलता है कि ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है और सही में इस गेम की बात करें तो और इस गेम के ग्राफिक्स भाई और भी ज्यादा तगड़े हैं। इसमें आप अलग से अपनी एक टीम बना सकते हो, उसके साथ जाके मिशन करते हो और उस मिशन को कंप्लीट करने के बदले आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिलहाल गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो और साथ साथ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उम्मीद है भाई आज के बाद आप वीडियो नहीं देखोगे कि आखिरकार एंड्रॉइड में GTA 5 को कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि अभी इसकी भाई कोई भी यहां पे नामो निशान नहीं है कि हम एंड्रॉइड में GTA 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो बड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट कर दो। और तुम्हारा भाई GTA 5 के एपिसोड भी डालता है तो उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना।